झाबुआ जिले के पेटलावत की ग्राम पंचायत गुणावत को मंगलवार सरपंच मिला है। पीठासीन अधिकारी ने दो प्रत्याशियों को मिले वोट की संख्या गलत लिख दी। ऐसे में हारे हुए प्रत्याशी को सरपंची मिल गई, जो असल में जीता वो लगातार लड़ाई लड़ता रहा। आखिर में एसडीएम ने निर्णय सुनाया और गमना गामड़ को सरपंच घोषित किया है। सात माह पश्चात फैसला सरपंच प्रत्याशी गमना भाबर के हक में आया। सुबह से ही ग्रामीण लोगों की भीड़ लग रही थी। एसडीएम कार्यालय पर जब फैसला आया तो सभी ग्रामीणों ने जीते हुए प्रत्याशी गमना भाबर को हारफुल पहनाकर स्वागत किया। तहसीलदार जगदीश वर्मा से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये पीठासीन अधिकारी व निर्वाचन अधिकारी की गलती है, मुख्य चुनाव अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। जनपद पंचायत कौन सा लगता है? पेटलावत। क्या मामला क्या था? चुनाव का मामला था। क्या हुआ था? जो जीता हुआ को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया और हारे हुए को जारी कर दिया। आज जो फैसला हुआ है क्या आया? आज के फैसला को पहले जो हारे हुए प्रमाण पत्र दिया था उसको जीत की प्रमाण पत्र जारी करा। ये केस कितने समय से चल रहा था? ये 6 महीने से चल रहा था। चुनाव के पश्चात से ही? हाँ, चुनाव के 14 तारीख के बाद ही, 26 तारीख के बाद ही। 26 तारीख के बाद ही। आप सरपंच हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गमना। तो आपको, आप जीत गए थे पर सर्टिफिकेट हरा हुए का दिया आपको। तो आज यहाँ एसडीएम महोदय ने क्या बोला? मेरा सर्टिफिकेट दे दो। जीत गए आज, आपको सर्टिफिकेट दे दिया? देना दे। सर, गुणावत पंचायत का जो अभी डिसीजन आया है सरपंच को लेकर, लीड दायर करी थी एसडीएम कोर्ट में, उसका निर्णय क्या हुआ सर? आज ग्राम पंचायत गुणावत सरपंच पद के लिए अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ से आदेश हुआ। उन्होंने मतदान केंद्र क्रमांक 31 के मतों की गणना की जाकर फैसला दिया गया है और उसके आधार पर सारणीकरण कर गमना जी को विजय का प्रमाण पत्र दिया गया है। सर, जी पीठासीन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई सर? वो प्रस्तावित की गई है। ये प्रकरण कितने समय से चल रहा था सर? यहाँ ये चुनाव के समय से चल रहा था। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।